राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक बहुत मजबूत आवाज संजना चौधरी से यह निवेदन रहेगा कि आप आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला अफ जाए। आप सभी को राम राम, मेरे बड़ों को प्रणाम। मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो ये सब चल रहा है राजस्थान में पेपर लीक का मामला, तो आपको पता है कि एक विद्यार्थी एक सपना देखता है लाइफ में कुछ बनने का, तो एक हत्या होती है, हत्या से भी बड़ी हत्या होती है किसी के सपनों की हत्या करना। एक विद्यार्थी का जीवन बड़ा संघर्ष भरा होता है और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग यहाँ खड़े हैं। हम सब लोग एक साथ एकजुट होके उस चीज का साथ दे रहे हैं, सत्य का साथ दे रहे हैं और एकजुट होके हम एक मजबूत आवाज बनेंगे और हमारे हक के लिए लड़ेंगे भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के साथ। हमें पता है कि जब तक राजस्थान का युवा, एक एक युवा हनुमान नहीं बनेगा, तब तक राजस्थान में यूं ही ये सब चलता रहेगा, हत्याएं, भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मामले। और कुछ ही दिनों में ये मुझे ये जो सब चल रहा है इससे लगता नहीं है कि राजस्थान भी यूपी की तरह क्राइम में भी आगे आ जाएगा। पेपर लीक मामले, ये जो सब चीजें चल रही है, इस चीज के लिए युवा शक्ति को, एक एक युवा शक्ति को भगत सिंह बनना पड़ेगा। और हम लोग जो सरकार बनाते हैं वो सरकार गिराना भी जानते हैं, तो आप सब लोग एकजुट होकर इस चीज में बढ़ चढ़ कर भाग लें और आगे भी इन मुद्दों पर चलते रहेंगे। अगर हम लोग आज मजबूती से अपनी बात को नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में भी ये सब चीजें यूं ही चलती रहेगी। आप सबका धन्यवाद।